हाय फ्रेंड्स, आई एम रजनीकांत। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। डियर गाइस, अब तक मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस के स्पेशल रूल्स बता दिए हैं। आपने सभी जनरल रूल्स भी पढ़ लिए हैं, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के स्पेशल रूल्स। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसके इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो लेट्स सी। डियर गाइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनसे विश, प्रे, कर्स और ब्लेस यही भाव निकलते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार प्रे में, विश में, कर्स में, ब्लेस में चेंज करते हैं। तो रूल्स फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो डियर गाइस, पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार हम ब्लेस, कर्स प्रे और विश में बदल देते हैं। दूसरा नियम है ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। डियर गाइस, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप में चेंज कर देते हैं। देखिए, असर्टिव ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलते समय
एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कर्ता को पहले कर दीजिए और वर्ब को बाद में। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको असर्टिव में बदलते समय यू को पहले कर दीजिए और मे को बाद में कर दीजिए और ये हो जाएगा यू मे लिव लॉन्ग। तो इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को पहले कर देना है और वर्ब को बाद में कर देना है और हमारा सेंटेंस जो है वो ऑप्टेटिव से असर्टिव बन जाएगा। इसके बाद सभी जनरल रूल्स अप्लाई कर देंगे और हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। जैसे देखिए फादर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। या द प्रीचर सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू। He said to me, "May you die." तो डियर गाइस देखें, पहले वाक्य से इच्छा का अर्थ निकलता है, दूसरे वाक्य से आशीर्वाद निकलता है और तीसरे वाक्य से अभिशाप का अर्थ निकलता है। तो हम अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और लिखेंगे फादर विश्ड मी Father wished that you पहले हो जाएगा और you को हम reporting verb के object के अनुसार change कर देंगे, that I मे हो जाएगा माइट ल्यूलान। ये गाइस दूसरा सेंटेंस देखें, द प्रीचर सेड टू मी, द प्रीचर ब्लेस्ड मी।
दैट गॉड माइट हेल्प। और देखिए डियर गाइस यू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखें, ये अभिशाप का है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम कर्स में बदलेंगे और लिखेंगे ही कर्स्ड मी, ही कर्स्ड दैट। देखिए ये नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा, दैट आई माइट डाई। तो डियर गाइस एक बार स्पेशल रूल्स फिर से दोहरा देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रे विश ब्लेस या कर्स में वाक्य के अर्थ के अनुसार बदलते हैं, फिर कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। डियर गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि असर्टिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता, जैसे दिया है गॉड सेव मी, गॉड सेव मी। अगर वाक्य ऐसा दिया है तो इस वाक्य को हम में लगाकर पूरा कर देते हैं और लिखते हैं मे गॉड सेव यू, और फिर इसे हम असर्टिव में बनाते हैं। इसी तरह से प्लेग स्प्लिट यू, तो इसमें भी हम मे लगा करके सेंटेंस को पूरा कर देंगे, मे प्लेग स्प्लिट यू, और फिर हम असर्टिव में बदलेंगे और अप्लाइंग स्पेशल एंड जनरल रूल्स हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करते रहें।